सब्सक्राइब कीजिए टेक विद केपी को, साथ ही दबाए पास में बने बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। और लेकर आ चुका हूं आप सभी के बीच एंड्रॉयड सीरीज पर चल रही वीडियो की तीसरी। जी हाँ फ्रेंड्स, एंड्रॉयड का ये तीसरा फीचर है जिसमें हमने स्लाइड शो के बारे में बताया है। जो लोग स्लाइड शो के बारे में जानते हैं इसका यूज़ क्या है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं मालूम वो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि इस फीचर का यूज़ क्या है और इसका किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सिलेक्ट करना है, क्या नहीं, ये सभी जान सकें। तो फ्रेंड्स, बेसिक बता दूँ कि स्लाइड शो का यूज़ है, मान लीजिए हमारे पास कई सारे इमेजेस पड़ी हुई हैं। इमेजेस कोई से भी हो सकते हैं, आपके स्टोरी के भी हो सकते हैं, आपके कोई काम के भी हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली में फंक्शन हुआ है उसके क्लिक की हुई फ़ोटो भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप उन सभी इमेजेस का एक प्यारा सा प्रोफेशनल वीडियो बनाकर अपने गैलरी, फाइल मैनेजर या ड्राइव, पेन ड्राइव या एसडी कार्ड में सेव कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी लंबे टाइम तक काम आ सके। और वो इमेजेस आपकी जो गैलरी में अलग अलग पड़ी हुई हैं वो एक प्रोफेशनल वीडियो में बदल कर आपके लंबे समय तक आपके पास रहें। तो ज़्यादा जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, और जिन्होंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो हमारे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं एंड्रॉयड विद की इस वीडियो की ओर और जानते हैं इस फीचर का पूरा डिटेल्स। तो चलिए आपके टाइम को व्यस्त ना करते हुए चलते हैं। चलिए चलते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से एंड्रॉयड की हेल्प से हम बहुत सारे इमेज को एकत्रित करके, इकट्ठा करके, सिलेक्ट करके एक प्यारे से वीडियो का निर्माण कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो बनता है म्यूज़िक के साथ। तो चलते हैं, देखते हैं कि स्लाइड शो जिस फीचर का नाम है कैसे यूज़ किया जाता है। तो प्रो मेरे पास है, यदि आपको इसका एपीके चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको देखने को ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो वहां से इंस्टॉल कीजिए और यूज कीजिए। और पुराना इंटरफेस मैं इसका दिखा चुका हूं कैसा क्या है हर एक फीचर का, जो बचे हुए हैं वो आगे मिल जाएंगे आपको देखने के लिए वन बाय वन। तो अभी चलते हैं स्लाइड शो पर। तो स्लाइड शो पर हम क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं सीधा स्लाइड शो की ओर। स्लाइड शो अप्लाई, अप्लाई अभी नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। और सेकंड नंबर पर हमें साइलेंट बटन मिलता है, ये हमारे काम का है। और इसके आगे एक और बटन है उसको देख लेते हैं, इसके बाद हम फिर साइलेंट बटन पर वापस आएंगे। ये इसके नाम का बटन है, तो इसका काम है नो म्यूजिक सिलेक्टेड, म्यूजिक सिलेक्ट करने का। तो अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं है इसलिए बता रहा नो म्यूजिक सिलेक्टेड। तो हम अभी पीछे चलते हैं साइलेंट बटन पर। तो ये साइलेंट बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। या हमें गैलरी, फाइल मैनेजर और यदि कोई और भी फोल्डर होगा या यदि आपके पास मेमोरी कार्ड लगा होगा तो वो शो करेगा। तो मैं फाइल मैनेजर सेलेक्ट करूंगा इमेज सेलेक्ट करने के लिए। सर्च में आप सर्च कर सकते हैं फाइल का, यदि आपको नाम मालूम है इमेज का। Not
तो दो अभी ये मेरे पास चूज है, मतलब शो कर रहे हैं गैलरी और माई फाइल, तो माई फाइल देखता हूँ मैं। WhatsApp images 41. My no item expand. IMG not ticked. IMG 20,200,000. One item selected. Showing toolbar. Navigate down to select a bulk action. तो 41 images यहाँ पर हैं WhatsApp folder में, तो मैंने एक select कर ली है। एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि आप एक बार में एक ही में select कर पाएंगे, ना कि एक से ज़्यादा, क्योंकि कुछ चीज़ों पर ऐसा जाता है कि आप सारी एक बार select कर लें उसके बाद done करके अप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। मैं अभी अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। Open file. Not ticked. IMG 20 million. One item selected. Showing toolbar. Navigate down to select a bulk action. तो मैंने दूसरा इमेज भी सिलेक्ट किया, लेकिन एक ही सिलेक्ट हुआ यहाँ पर। Not ticked. IMG 20 million. Open file. Not ticked. One item selected. Showing toolbar. Open. Not ticked. IMG. One item selected. Showing toolbar. Navigate down to select a bulk action. तो यहाँ हम कितने भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन सिलेक्ट हमारे पास एक ही होगा, तो मैं एक सिलेक्ट करता हूँ। Search, view, date, descending, not ticked, open file, not, one item selected, showing toolbar, navigate down to select a bulk action. सिलेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ किसी भी इमेज पर आपको डबल टैप करना है, होल्ड नहीं करना है, सिर्फ डबल टैप। और डन करने के लिए आपको मिलेगा Done. ये जो बैक बटन है आपका बॉटम राइट में, जहाँ की आपको बैक बटन मिलता है उसके जस्ट ऊपर, यहाँ आपको सेंड बटन भी मिलता है और रिकॉर्ड वॉइस मैसेज, वहाँ आपको डन का मिल जाएगा। तो मैं डन करता हूँ। तो जैसे ही हम डन करते तो हमारा कर्सर जो है वो साइलेंट बटन पर वापस आ जाता है, तो उसी पर हमें डबल टैप करना है अगले जो फोटो है उसको सिलेक्ट करने के लिए। मैं चार फोटो सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। तो मैं इमेज सिलेक्ट कर लूँ, उसके बाद आपसे आगे की प्रोसेस बताता हूँ। मैंने उसे सिलेक्ट कर ली है। चौथी बस करना है। WhatsApp, no items expand. Search, not ticked. IMG 20, one item done. तो मैंने चार यहाँ सेलेक्ट कर ली हैं। Video thumbnail. यहाँ एक और आपको साइलेंट बटन मिलता है लास्ट में। अब आप कहेंगे इसका क्या यूज है, तो जो फर्स्ट में मिलता है तो पहला इमेज जब आप सिलेक्ट करेंगे तो एक ही साइलेंट बटन मिलेगा आपको सिलेक्ट करने से पहले, लेकिन जब आप एक इमेज सिलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ आपको दो साइलेंट बटन मिलेंगे। लेकिन आप इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों का एक ही यूज है, चाहे आप वहाँ से सिलेक्ट करें या यहाँ से सिलेक्ट करें, आपके पास सिलेक्ट होगी तो इमेज ही होगी। तो अब हम एक प्यारा सा म्यूज़िक भी सिलेक्ट करेंगे इसके साथ में, क्योंकि वीडियो हमें साइलेंट नहीं रखना है, उसमें हमें एक म्यूज़िक भी चाहिए ताकि इस म्यूज़िक के साथ ये जो चार इमेज सिलेक्ट की हैं वो स्लाइड शो हो सके। तो म्यूज़िक के लिए जैसा कि हमने बताया था स्टार्ट में कि लास्ट में आपको एक एंड्रॉयड विद प्रो के नाम से फीचर मिलता है जो कि एक बटन है, तो उस बटन को हम क्लिक करेंगे। यहाँ देगा हमें ऑडियो चूज करने का ऑप्शन। Recent, search, more options, not tick, lock, not tick, browse, choose music, my files, choose music track. इसने कहा choose music track, तो हम देखते हैं. My files, sound, my files. तो my file हमें यहाँ पर दिखा रहा है, और देखते हैं. Sound picker. तो हम my file से देखते हैं. My files, WhatsApp audio, TMP, 1, Snaptube, 1, Ringtons, 2, Records, 2. No play, ethnic trap 24, not open file, not ticked, synth cruise 94-2022, one item selected, showing toolbar, navigate down to select a bulk action. तो मैंने यहाँ म्यूजिक सेलेक्ट कर लिया है, और इसके लिए भी हमको जैसा वीडियो यानी इमेज सेलेक्ट करने के लिए हमने किया था उसी तरह से यहाँ इस पर भी हमें डन करना है। Done. तो ये भी वही आपको मिलेगा जैसा कि इमेज सेलेक्ट करते समय आपको मिलता है, उसी जगह पर इसमें भी आपको डन मिलेगा। तो डन करते हैं हम। Android Pro. तो ये हमारा हो चुका है एक वीडियो तैयार। अब हम इसके लिए चलते हैं अप्लाई। जैसा कि हमने देखा था शुरू में,
सबसे पहले हमें अप्लाई मिलता है, उस अप्लाई तक चलते हैं। तो अप्लाई पर हम क्लिक करते हैं। Options, tick, total duration. तो यहाँ कुछ ऑप्शन टिक नॉट टिक रहते हैं, उनको देखते हैं क्या क्या है। तो अभी Options. ऑप्शन है टोटल ड्यूरेशन, देखते हैं क्या है। 12 मीन्स, अब ये 12 का मीन्स हम आगे देखते हैं किस तरह से ये 12 बता रहा है। 12 सेकंड मीन्स 12 सेकंड टोटल है। टोटल ड्यूरेशन का मतलब ये 12 सेकंड तक चलेंगी, मतलब ये चार इमेज हैं तो ये हर एक इमेज कितने सेकंड तक रुकेगी ये आगे देखते हैं। स्लाइड ड्यूरेशन, स्लाइड ड्यूरेशन अभी देखते हैं हम कितना रहेगी। 3 सेकंड मीन्स टीचर को 12, 3 4 12, और एक इमेज आपको 3 सेकंड तक रोकेगी, उस वीडियो में 3 सेकंड तक दिखाई देगी, उसके बाद अगली इमेज आ जाएगी, ऐसा इसने कहा है। तो हम स्लाइड ड्यूरेशन, तो यदि आप स्लाइड ड्यूरेशन को टिक रखते हैं तो ये 30 सेकंड तक दिखाई देती, हम टिक करते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसका एक लॉस भी है, ये देखते हैं। हम पीछे चलते हैं वापस, अब ये 12 डिसेबल हो चुका है क्योंकि हमने जो 3 सेकंड के पीछे एक टिक बॉक्स था उसको टिक कर दिया, इसलिए ये डिसेबल है। यदि आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो वो 3 सेकंड वाले को अनचेक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, और ये जो टोटल ड्यूरेशन है ये नॉट टिक हो जाएगा ऑटोमेटिक। यदि हम इसको टिक करते हैं, इसको हम टिक करके देखते हैं, अब टोटल ड्यूरेशन को हमने टिक कर दिया, आप देखते हैं 3 सेकंड वाला अनटिक हो गया है ऑटोमेटिक। स्लाइड ड्यूरेशन, तो ये टोटल ड्यूरेशन और स्लाइड ड्यूरेशन में आप एक ही टिक कर पाएंगे, या तो आप स्लाइड ड्यूरेशन कर लें या टोटल ड्यूरेशन। तो हम टोटल को ही रहने देते हैं, स्लाइड को नहीं करते हैं। 3 सेकंड, तो 3 सेकंड तक एक इमेज टिकेगी, मतलब दिखाई देगी 3 सेकंड तक, और इस तरह से टीचर को 12 यानी 12 सेकंड तक आपको 4 इमेज दिख जाएंगी और उतना ही म्यूजिक चलेगा। फेड इन इफेक्ट है, देखते हैं। तो यदि आप डालना चाहते हैं फेड इन इफेक्ट तो यहाँ से डाल सकते हैं टिक करके। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन इसकी क्वालिटी कितनी होगी। 480p, तो रेजोल्यूशन जो है 480p है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इतना ही रहने देते हैं। कैंसल है और अप्लाई, तो हम अप्लाई कर देते हैं। Android Pro, open. Android preparing 3 full stop. तो ये प्रोसेसिंग लेता है, जैसा कि हम मर्ज करते हैं वीडियो या जॉइंट म्यूजिक ऐड करते हैं इस तरह से, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। इसके बाद ये सेव सक्सेसफुली, सेव हो चुका है। तो देखते हैं हम यहाँ से प्ले का ऑप्शन मिलता है, नहीं तो फिर हम अंदर से देखेंगे। More options. Android Pro. Android Pro. Zero, zero. Android. Android Pro. Android Pro. Android Pro. Android Pro. तो यहाँ से हम नहीं करते हैं ओपन, पता नहीं किस तरह से होगा, तो हम अंदर से ही देखते हैं। पेज लीव करने का बोलता है तो मैंने यस पर क्लिक कर दिया और मैं बाहर आ चुका हूँ। मैं इंटरनल स्टोरेज में चलता हूँ। 25 सर्च मोर ऑप्शंस ऐप क्रिएटर एंड्रॉइड 26 अप्रैल 2022 6 आइटम ऑडियो एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा है आपके इंटरनल स्टोरेज में, वहां से आप लास्ट में 28 अप्रैल 2017 फर्स्ट आइटम, और एंड्रॉइड के अंदर आपको 6 फोल्डर मिलेंगे, तो लास्ट फोल्डर में आपको जाना है वीडियोस में, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो ये वीडियो बन चुका है, इसको हम देखते हैं किस तरह से स्लाइड शो होती हैं। तो आई होप के जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो पार्सली हैं थोड़ा देख पाते हैं, उन्होंने इस वीडियो में चारों इमेज को देखा होगा वन बाय वन स्लाइड शो होते हुए। तो आई होप के वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये छोटी सी प्रोसेस जो कि एंड्रॉयड की
एक फीचर था जिसकी प्रोसेस हमने बताई। तो इस तरह से आप कितनी भी इमेज हों, जितनी इमेज होंगी उस लेवल से आपका वीडियो का टाइम सेट होगा, और उसी तरह से 3 सेकंड के अकॉर्डिंग आपकी सारी इमेज शो होंगी। तो ये थी आज की वीडियो। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके ज़रूर जाइए। जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, ताकि हर एक को इस एंड्रॉयड का फीचर यूज़ करने के लिए आ सके, और वो अपने पास रखी हुई इमेज का एक अच्छा सा सुंदर सा वीडियो बनाकर रख सकें। तो इस तरह से हमारी गैलरी में भी जगह ज़्यादा नहीं भरेगी, और एक अच्छा सा वीडियो बनकर हमारी ड्राइव में, गैलरी में, माय फाइल में, या अपने किसी भी पेन ड्राइव एसडी कार्ड में सेव हो सके। तो इस तरह से उनकी इमेज भी सेव रहेंगी, और एक अच्छा सा वीडियो भी, वो भी म्यूज़िक के साथ। तो चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।